हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को। ठीक है, एपी क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया, टू एपी हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर बोथ 100 टर्म इज 100। दो अलग अलग एपी हैं, ठीक है, जिनकी 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो दो अलग अलग एपी हैं, तो दोनों को मैं अलग अलग मान लेता हूँ। ठीक है, मान लो पहली एपी मेरी A1, A2, A3 करते करते AN तक है, दूसरी एपी मेरी B1, B2, B3 करते करते BN तक है। क्वेश्चन में बोला गया दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, ये एपी फर्स्ट है, ये एपी टू है, तो यहाँ लिखूँगा मैं कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 इक्वल है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2। दूसरी AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो मैंने दोनों के डिफरेंस को क्या मान लिया, D मान लिया। जबकि बात करी जाए इसके फर्स्ट टर्म यानी कि इसका पहला पद इसका कौन है, A है, और इसमें इसका फर्स्ट टर्म कौन है, इसमें फर्स्ट टर्म है बी। ठीक है, अगर मैं इसके 100 टर्म निकालूं इस एपी का, तो बेसिकली फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। इसकी 100 टर्म कितनी होगी, एन की जगह 100 रखा, ए का ए, एन की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 100 ए प्लस कितना हुआ 99 डी, ये आ गई 100 टर्म। इस वाली एपी की 100 टर्म कितनी होगी, बी एन ए, या ए वो था फर्स्ट टर्म कौन है इसकी, बी, प्लस एन की जगह पे 100 माइनस 1 इंटू डी, बी सॉरी एन की जगह आ जाएगा यहाँ पे 100, क्योंकि 100 टर्म निकालने ना मेरे, कितना हो गया 99 डी। बोला इसकी 100 टर्म और इसकी 100 टर्म दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना शो करता है, 100 शो करता है। दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना शो करता है, 100 शो करता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने इसे मान लिया फर्स्ट और इसे मान लिया सेकंड, तो ए 100 माइनस में बी 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 डी इक्वल टू, हमें इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 100, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 100। ठीक है, ए प्लस 99 डी, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, इसे कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना निकल गया है, ए माइनस बी बराबर 100, यानी ए और माइनस बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, इसे मैंने नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि 1000 टर्म, यानी कि इसकी भी 1000 टर्म और इसकी भी 1000 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो बेसिकली फ्रेंड, अगर किसी ए पी के नंबर बताना हो तो फॉर्मूला होता है ये ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो इसका जो ए है वो कितना है, ए है, एन, एन की जगह अगर मैं 1000 भरूंगा, 1000 माइनस 1 कितना आएगा, 999 डी, एक नंबर कम करके लेना, हमें क्या लेना है, एक नंबर कम करके, एन की जगह पे मैं 1000 पुट करूंगा, 1000 माइनस 1 999 डी, ऐसे ही मैं बी का निकालूंगा, बी 1000। ठीक है, तो यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, बी, तो यहाँ रखा मैंने बी, ठीक, प्लस एन, एन की जगह रखूँगा 1000, तो यहाँ पर एन की जगह अगर मैं 1000 भरूंगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 999 डी। ठीक है फ्रेंड, इसका सॉल्व किया तो कितना आएगा, बी प्लस 999 डी, तो यहाँ पर मेरा सॉल्व करने पे क्वेश्चन बनेगा 999 डी, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये से कैंसिल हो गया, कितना आया, ए माइनस बी, और ए माइनस बी किसके बराबर है, ए माइनस बी बराबर है 100 के, यानी कि इसकी 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तीन डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तीन डिजिट के नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है 101, 101, 102, ये चलती रहती है,
और इस शुरुआत का एंड कहाँ पे होता है, 999, ठीक है, यानी कि जो थ्री डिजिट का नंबर शुरुआत होता है वो होता है 100 से और एंड होता है 999 पे। बट क्वेश्चन में बोला गया डिविजिबल होना चाहिए 7 से, चाहे डिविजिबल बोल दे या मल्टीपल बोल दे, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि शुरुआत का नंबर कौन होगा इसका, यानी 100 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, 7 का ना इसमें जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है हम दो डिवाइड करेंगे, एक लेंगे मिनिमम वैल्यू को और एक लेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। इसमें ये देखेंगे, देखो हम 100 से तो नीचे नहीं जा सकते और 999 से ऊपर नहीं जा सकते, तो 7 में जब डिवाइड करेंगे तो इसमें हम डिजिट को बढ़ा के लेंगे, क्योंकि इसमें बढ़ा सकते हैं घटा नहीं सकते, ठीक है। हम 100 से ऊपर भले ही जा सकते हैं बट नीचे नहीं जा सकते, और 999 में क्या है, हम पीछे आ सकते हैं बट 999 से ऊपर नहीं जा सकते, अगर ऊपर चले गए तो 1000 आ जाएगा जो कि 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो मैंने इसमें 7 का डिवाइड दिया, 7 × 7 कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 0। अब जैसे कि डिवाइड का रूल होता है इसके बराबर चाहिए या इससे छोटा, तो 7 × 4 = 28 जाएगा, बट हम 28 लेने के बजाय क्या लेंगे, 7 × 5 = 35। मैंने क्या कहा, हम बढ़ा के ले सकते हैं बट कम करके नहीं ले सकते, तो कितने नंबर की कमी आ रही है, 5 नंबर की, तो 100 में प्लस कर देंगे 5। मैंने इसको बढ़ा दिया, कितना आया, 105 आया, यानी कि जो शुरुआती नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो कहाँ से होगा, 105 से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, 105 से। अब ऐसे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, इसमें 7 ऐड कर दिए 112, 7 ऐड कर दिए 119, ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। अब इसका एंड कहाँ पे होगा, 999 पे, अब इसमें भी 7 का डिवाइड देंगे, बट अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, कम करके लेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाना कम करके लेंगे, मतलब 7 का डिवाइड देंगे ना तो नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते वैसे ही करेंगे, 7 × 4 = 28, कितना बचा 1, ऊपर से ज़्यादा 9, ठीक है, 7 × 2 = 14, कितना बचा 5। अब इसमें जो ये 5 आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 999 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 994, तो इसकी जो एंड की डिजिट होगी वो कितनी होगी, 994 होगी, ठीक है फ्रेंड। बस ध्यान इस बात का देना है, हम 100 से नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते हैं, इसीलिए मैंने डिवाइड देते समय इसको बढ़ा के लिया, कम करके नहीं लिया, तो कितने की कमी आ रही है, 5 की, तो 5 इसमें मैंने प्लस कर दिया, शुरुआती पॉइंट पता लग गया। अब इसका एंड का पॉइंट पता लगाने के लिए 7 का डिवाइड दिया, वहाँ पर हमें कम करना है बढ़ाना नहीं है, तो मैंने नॉर्मल डिवाइड करा, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 को हमें कम करना पड़ेगा, तो 999 में 5 माइनस कर दिए, कितना है, 994 आ गया। अब देखो जरा, ये मेरा A1, A2, A3, इसकी पोजीशन हमें मालूम नहीं है, तो इसी की पोजीशन बतानी है। अगर हमें पता लग जाएगा कि इसकी पोजीशन मान लो 100 है, तो हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ऐसे तीन डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 100 है, जो भी इसकी पोजीशन होगी वो लास्ट होगी, और उसी से हमें पता लगेगा कि लाइन में टोटल कितने नंबर हैं। अगर इसकी पोजीशन मान लो 50 आती है, तो हमें पता लग जाएगा कि लाइन में टोटल 50 मेंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें इसकी पोजीशन निकालने को मिला के, अब an निकालने का फॉर्मूला होता है a + n − 1 × d। अब an दे रखा कितना, 994, a कितना है, a होता है डिजिट का फर्स्ट नंबर यानी कि 105, d होता है अगला माइनस पिछला, कितना आया 7, तो a की जगह रखा 105, n मालूम नहीं है, d कितना है 7, तो प्लस का 105 है, ट्रांसपोज होके जाएगा तो इधर किसको आ जाएगा, माइनस का, यहाँ बचे n − 1 × 7। अब 994 में से माइनस करेंगे 105 को, कितना आएगा 889, ठीक, मल्टीप्लाई में 7 है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, अब 889 में 7 का डिवाइड देंगे, ये आ गया 127। अब माइनस का 1 ट्रांसपोज हो गया उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 127 प्लस 1 128, तो n कितना आया 128 आया, यानी कि जो 994 है ये 128 पोजीशन पे है, कितनी पोजीशन में, 128 पे, तो 7 से डिविजिबल होने से कितनी टर्म होगी, टोटल टर्म, ठीक है, हुज डिविजिबल, या तो डिविजिबल बोल दे या मल्टीपल बोल दे,
एक ही बात है, कितनी टर्म होगी 128 होगी, क्योंकि आखिरी का मेंबर तो यही है, तो कितनी होगी 128। और इसी के साथ फ्रेंड मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।